नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि हम अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली कैसे बनाएं। सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि जैसे कोई बच्चा अपने पिता से मांगता है तो पिता अपने बच्चे की मांग को अवश्य सुनता है और उसको पूरी भी करता है, ऐसा ही वह जो परमात्मा है वह अपने बच्चों की मांग को अवश्य ही सुनेगा और पूरी करेगा। बात सिर्फ इतनी है कि वह जो मांग है वह हमारे दिल से होनी चाहिए। जैसे एक बच्चे का मन साफ होता है, वैसे ही हम अपने हृदय को साफ बनाएं और जो भी उससे मांग करेंगे वह अवश्य हमारी मांग को सुनेगा। हम अपने मन को एकाग्रचित कर लें और हम अपनी जुबान और मन को तालमेल बिठाएं और उसके आगे प्रार्थना करें तो वह हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। अपने मन को एक साफ पानी के तालाब की तरह बना लो और उसमें अपनी परछाई देखो और उसमें हमें अपनी परछाई अवश्य नजर आएगी। ऐसे ही जब हम प्रार्थना करेंगे और वह हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। धन्यवाद।